Hi everyone, welcome you all in Law Vita. My name is Aradhya Gupta. Today in this lecture, we'll be discussing a very important legislation related to labor laws, that is the Trade Unions Act 1926. So in this video, we'll try to cover all the most important provisions of this act, right? हम लोग इसमें जितने भी इसके most important provisions हैं, जिसके ऊपर questions frame होते हैं in the exams, we'll cover all of them. Plus, wherever needed, I have also provided all the relevant case laws, so that would be absolutely helpful for you. इस लेक्चर के या किसी भी और लेक्चर के हमारे लॉ वीटा के नोट्स PDF चाहिए तो हमारे Instagram पेज या फिर हमारे ईमेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आई रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल. प्लस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लॉ वीटा को सब्सक्राइब कर सकते हैं. बहुत सारा आपका यूज़फुल कंटेंट है और नोट्स लेक्चर्स हैं वो सब हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. लेट्स रीड द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926. तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं. सो ट्रेड यूनियन इज़ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु स्ट्राइव टू हेल्प द वर्कर्स इन इश्यूज रिलेटिंग टू द फेयरनेस ऑफ पे, गुड वर्किंग कंडीशंस, आवर्स ऑफ वर्क, अदर बेनिफिट्स दैट दे वुड बी एंटाइटल टू एट द वर्क प्लेस. ठीक है, तो ट्रेड यूनियन क्या है? एक तरीके की ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं. कोई भी वर्कर्स, चाहे वो किसी इंडस्ट्री से जुड़े हों, किसी फैक्ट्री से जुड़े हों और किसी भी इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए वर्कर्स या एम्प्लॉयज़, वो आपस में मिलके एक ग्रुप फॉर्म करते हैं. वो एक ऑर्गेनाइज ग्रुप जो होता है उन वर्कर्स का, दोज हु स्ट्राइव मतलब हु ट्राइज देयर बेस्ट टू हेल्प द वर्कर्स, जितने भी और उनके साथी वर्कर्स हैं उन सब की मदद करना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी उनके एम्प्लॉयमेंट इश्यूज हैं उन सब को डील करना चाहते हैं और उन सब में सोल्यूशंस इंश्योर करना चाहते हैं. जैसे कि किस तरह के इश्यूज रिलेटेड टू देयर फेयरनेस ऑफ पे, कि उनको फेयर वेजेस नहीं मिलते हैं बाय द एम्प्लॉयर्स, उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन नहीं मिल रहा है अगर, या उनका वर्किंग आवर्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या और भी जो भी बेनिफिट्स हैं जिनको वो एंटाइटल्ड हैं कि उनको मिले पर उनको नहीं दिए जा रहे हैं, या उनसे रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज है एट देयर वर्क प्लेस, तो उन सभी चीज़ों से उन लोगों को सोल्यूशन इंश्योर कराने के लिए या उनकी मदद करने के लिए जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ मेंबर्स आगे आता है, राइट, दैट इज नोन एज द ट्रेड यूनियन. ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्रेड यूनियन. आई होप आप लोगों को समझ में आया हो ट्रेड यूनियन क्या है. इट इज़ अ ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु स्ट्राइव टू हेल्प द वर्कर्स इन इश्यूज विच आर रिलेटेड टू देयर वर्क प्लेस, राइट. द ट्रेड यूनियंस एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. वेरी ट्रू. देखो, ट्रेड यूनियन एक तरीके से वो गैप फिल करता है कि जो मैनेजमेंट है इंडस्ट्रीज का, एस्टेब्लिशमेंट्स का, द एम्प्लॉयर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, और ये जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में जो एक गैप है ना, वो एक लिंकेज क्रिएट करने की कोशिश करता है ट्रेड यूनियंस की. इनको अगर कोई भी इश्यूज हो रहे हैं तो वहाँ पे उनके इश्यूज को पुट फोर्थ करता है बिफोर दिस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट. तो इन दैट मैनर इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. In India, the Trade Unions Act 1926 is a principal act for controlling and managing the working of the trade unions. और India की बात करें तो specifically वो legislation जो primary है, जो principal legislation है जो कि trade unions की working का क्या management होगा, कैसे control होता है, क्या ethics है, क्या rules हैं, क्या punishments हैं, ठीक है, क्या procedures हैं, उन सब को deal करने का जो सबसे principal legislation है India में, that is the Trade Unions Act 1926. ठीक है ना, तो आई होप दिस जनरल इंट्रोडक्शन इज़ वेरी क्लियर. अब जानते हैं कि ट्रेड यूनियंस एक्ट कब पास हुआ, कब इन्फोर्स हुआ. सो दिस एक्ट वॉज पास ऑन 25th March 1926 एंड केम इन टू फोर्स ऑन 1st June 1927. अब भैया ये डेट्स तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी कि 25 मार्च 1926 को तो ये पास हो गया था बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, बाय इट ऑल्सो गॉट द असेंट, बट इट केम इन टू फोर्स ऑन 1st June 1927. पर ये इन्फोर्समेंट में आया, ये लागू हुआ अगले साल 1st June 1927 में. इसकी स्कीम की बात करें तो इसमें टोटल 33 सेक्शंस हैं, ये आप याद रखना. इट हैज़ टोटल 33 सेक्शंस और ये होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है. तो इसका एक्सटेंट भी हमको समझ में आ गया, इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. The Act contains the provisions related to registration, regulation, benefits and protection of the trade unions. हम बात करें कि ये एक्ट किस किस चीज़ों से डील करता है, तो ये बताता है कि कैसे ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन होता है,
मतलब कैसे कोई ट्रेड यूनियंस रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बनती है, कैसे उनका रेगुलेशन होता है, क्या उनका वर्किंग है, क्या रजिस्ट्रार होता है, क्या इन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं, कैसे इनका प्रोटेक्शन होता है बाय द स्टेट, तो ये सारे ही चीज़ों से जो डील करने वाले प्रोविजंस हैं दैट आर बीइंग कंटेन्ड इन दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, राइट। तो ये हो गया हमारा द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट। अब हम लोग जानेंगे आगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि सेक्शन 2 जो है इस एक्ट का वो डेफिनेशन क्लॉज है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के मीनिंग बताए हुए हैं विच हैव बीन यूज थ्रू आउट दिस होल एक्ट। तो हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। पहला टर्म है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब देखो, ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन है ये किसी भी सब क्लॉज में नहीं है, ना ये ए है या ना बी है, ये ए से पहले मैंशन है, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी क्लॉज में मैंशन नहीं है। सो इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रेड यूनियन द स्टेट गवर्नमेंट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो देखो, यहाँ बोल रहे हैं कि अगर हम ट्रेड यूनियन की कंटेक्स में बात करें तो जिस स्टेट में ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट करता है, जिस स्टेट की ट्रेड यूनियन है, अगर उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ट्रेड यूनियन है, ठीक है, तो वहाँ पे वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी, उत्तर प्रदेश इज दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि उस ट्रेड यूनियन का जो स्टेट है उसकी स्टेट गवर्नमेंट ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। एंड फॉर दोज ट्रेड यूनियंस हुज ऑब्जेक्ट इज नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और वो ट्रेड यूनियन जिनका जो ऑब्जेक्ट है कि वो कितने किस लिमिट्स में काम करेंगे, कितना उनका ज्यूरिसडिक्शन एरिया रहेगा, किस स्टेट के वर्कर्स के लिए दे आर स्टैंडिंग, तो वहाँ पर अगर उनका वन स्टेट के विद इन उनका कन्फाइंड नहीं है वो लिमिट्स, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पहला टर्म, दैट इज़ दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब यहाँ से ए बी सी डी करके हमारे डेफिनेशन स्टार्ट होती हैं। तो पहला डेफिनेशन ए में है आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी कि द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये याद रख लो, एग्जीक्यूटिव यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन। इट इज़ अ बॉडी टू विच द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ ट्रेड यूनियन इज इंटरेस्टेड। ये वो बॉडी है ट्रेड यूनियन का, ये वो मैनेजमेंट एरिया है ट्रेड यूनियन का, जिसको ट्रेड यूनियंस जो है अपने सारे अफेयर्स का जो भी मैनेजमेंट है वो इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड मतलब कि उनको सौंपा हुआ है, मतलब दे डील विद द एंटायर परव्यू ऑफ कि हाउ द ट्रेड यूनियन विल वर्क, व्हाट इज़ इट्स वर्किंग, व्हाट इज़ इट्स परव्यू, व्हाट इज़ इट्स एक्सटेंट। तो वो जो एंटायर मैनेजमेंट है, कैसे हाउ ऑल द अफेयर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन विल वर्क, तो वो जो बॉडी डील करता है दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव, और इसी को हम बोलते हैं द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द ट्रेड यूनियंस, राइट। नेक्स्ट बी टर्म है आपका ऑफिस बियरर। ऑफिस बियरर, अब भैया ऑफिस बियरर कौन होता है, सो इट मींस एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बट इट एक्सक्लूड्स एन ऑडिटर। मतलब ध्यान से सुनिए, एग्जीक्यूटिव में जितने भी मेंबर्स हैं, ये जो ऊपर ए में पढ़ा ना एग्जीक्यूटिव दैट इज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं दे आर नोन एज द ऑफिस बियरर। ऑफिस बियरर मीन्स एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बट लेकिन इसमें बस एक एक्सेप्शन है कि जो ट्रेड यूनियन का ऑडिटर होता है, द पर्सन हु ऑडिट्स, वो एक्सक्लूड होता है ऑफिस बियरर की डेफिनेशन में। ऑफिस बियरर इंक्लूड्स एवरी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बट इट एक्सक्लूड्स द ऑडिटर, ठीक है, याद रखना है यार। नेक्स्ट सी टर्म है आपका प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मतलब भाई प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर मेड अंडर द एक्ट। ये क्लियर है, ये हर एक्ट में सेम डेफिनेशन रहता है। डी रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब द ऑफिस ऑफ ट्रेड यूनियन विच इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट एज द हेड ऑफिस ऑफ सच ट्रेड यूनियन। अब आगे हम पढ़ेंगे, उसमें आएगा कि जब ट्रेड यूनियन अपने आप को रजिस्टर कराने जाता है तो वहाँ पे वो ये भी मेंशन करता है कि उसका हेड ऑफिस कहाँ पे स्थित है। तो जो हेड ऑफिस है ट्रेड यूनियन का और जो उसने वो रजिस्टर कराया है नाम कि यहाँ पे मेरा हेड ऑफिस है, सो दैट इज़ नोन एज द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द ट्रेड यूनियन। समझ में आया, मतलब कि जो ट्रेड यूनियन का मैंने बताया, जैसे ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस है लखनऊ में, ठीक है, अब वो रजिस्ट्रेशन कराने जाता है ट्रेड यूनियन टू बी नोन एज अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, तो वहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स में पूछा जाता है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, वहाँ मेंशन करते हैं हम कि लखनऊ का जो ऑफिस है वो इसका हेड ऑफिस है, तो ये माना जाएगा कि जो लखनऊ का हेड ऑफिस है ट्रेड यूनियन का दैट इज़ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द ट्रेड यूनियन, ठीक है ना। नेक्स्ट ई टर्म है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अब ऊपर पड़ा रजिस्टर्ड है ऑफिस, अब यहाँ पढ़ रहे हैं रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, सो इट मीन्स ट्रेड यूनियन विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, ट्रेड यूनियंस एक्ट के अंदर, जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो जाती है एज पर इट्स प्रोविजंस दैट इज नोन एज द रजिस्टर्ड
ट्रेड यूनियन, ठीक है। एफ, एफ टर्म बताती है रजिस्ट्रार के बारे में। अब रजिस्ट्रार कौन है, सुनिए, इट मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियंस। अब आगे हम पढ़ेंगे उसमें एक प्रोविजन के अंदर, सबसे पहले सेक्शन 3 के अंदर जो है रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट किया जाता है। और क्या होता है, रजिस्ट्रार जो है वही जो है ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन करता है एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स ऑफ द एक्ट। तो रजिस्ट्रार मीन्स द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियंस विच इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, विच इज अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और अपॉइंटेड फॉर स्टेट इन विच हेड और रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, ठीक है ना। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो जो है रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है फॉर रेगुलेटिंग द अफेयर्स फॉर रजिस्टरिंग द ट्रेड यूनियंस, क्लियर। एंड हियर द टर्म रजिस्ट्रार ऑल्सो इंक्लूड्स द एडिशनल और द डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन। याद रखना, रजिस्ट्रार टर्म के अंदर ही एडिशनल रजिस्ट्रार और डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट जी टर्म है ट्रेड डिस्प्यूट। तब ट्रेड डिस्प्यूट क्या है, इट मींस एनी डिस्प्यूट जो कि ट्रेड ड्यूरिंग द यू नो वर्किंग ऑफ द ट्रेड होता है। जैसे कि ट्रेड में आपका कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूड होती हैं, एम्प्लॉयर, वर्कमैन, एम्प्लॉय। तो यही है कि एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ, दैट इज ट्रेड डिस्प्यूट। वर्कमैन और वर्कमैन आपस में ही उनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, दैट इज ट्रेड डिस्प्यूट। या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है ना। तो कोई भी अगर ऐसा डिस्प्यूट अराइज होता है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ ट्रेड डिस्प्यूट। सच डिस्प्यूट, अच्छा आप ये डिस्प्यूट किस तरह से रिलेटेड होगा, किस तरह के इशूज से रिलेटेड होगा, सो इट मस्ट बी कनेक्टेड विद आइदर एम्प्लॉयमेंट, या तो उनकी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन या टर्म्स पे ही डिस्प्यूट अराइज हुआ है कोई, या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट टर्म्स पे भी हो सकता है एम्प्लॉयमेंट से हट के, या एम्प्लॉयमेंट की कोई पर्टिकुलर टर्म्स पे ही बेस्ड है, या फिर लेबरर की कुछ कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस नहीं फुलफिल हो रही हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट वर्कमैन या वर्कमैन एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉयर या वर्कमैन के बीच में अराइज होता है, सच अ डिस्प्यूट इज नोन एज अ ट्रेड डिस्प्यूट, क्लियर। अब देखिए ट्रेड डिस्प्यूट की डेफिनेशन में ही उसी के अंदर वर्कमैन की डेफिनेशन इस सेक्शन 2 में प्रोवाइडेड है, तो हम वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। द टर्म वर्कमैन मीन्स ऑल द पर्संस हु आर एम्प्लॉयड इन अ ट्रेड और इंडस्ट्री, वो सारे पर्संस जो कि एम्प्लॉयड हैं ट्रेड या इंडस्ट्री में। इट इज़ अम इमटीरियल दैट द पर्संस एम्प्लॉयड इन ट्रेड और इंडस्ट्री आर नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर इन द एम्प्लॉयर विद होम द ट्रेड डिस्प्यूट अराइज। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जैसे हमने ऊपर बात किया था कि डिस्प्यूट किसके बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है ना। और हम यहाँ बोल रहे हैं कि वर्कमैन वो पर्सन है हु इज़ एम्प्लॉयड इन अ इंडस्ट्री और ट्रेड। अब अगर किसी एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ज़रूरी कि वो वर्कमैन इस एम्प्लॉयर के ही अंडर में काम कर रहा हो और फिर इनका आपस में डिस्प्यूट अराइज हुआ हो। नहीं, वो वर्कमैन किसी और एम्प्लॉयर के अंडर भी काम कर रहा हो तो भी चलेगा, और अगर इसका किसी और एम्प्लॉयर के संग अगर डिस्प्यूट अराइज होता है, दैट विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ ट्रेड डिस्प्यूट ऑफ वो, तब भी वो पर्सन वर्कमैन ही माना जाएगा, ठीक है ना। सो इट इज़ इमटीरियल दैट द पर्सन आर नॉट एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड विद इन द एम्प्लॉयर विद होम ही हैज़ बीन इन टू द ट्रेड डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट हमारी टर्म है, और ये हमारी लास्ट टर्म है डेफिनेशन की, दैट इज़ अ ट्रेड यूनियन। याद रखना लास्ट टर्म 2H है हमारी ट्रेड यूनियन। सो इट मींस एनी कॉम्बिनेशन, ट्रेड यूनियन क्या होता है वैसे मैंने ऊपर बता दिया आपको, ये ग्रुप, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्कर्स है जो कि वर्कर्स के लिए ही, वर्कर्स के लिए राइट्स के लिए ही स्टैंड लेती है, खड़ी होती है, हेल्प करती है। अब देख लेते हैं इस एक्ट में क्या डेफिनेशन दी है। इट मींस एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्प्रेरी और परमानेंट formed primarily for the purpose of regulations between workmen and employer, workmen and workmen, employer and employer, or for imposing the restrictive conditions on the conduct of any trade or business. समझ में आया कुछ, ये जो इसका मतलब है कि combination मतलब तो group of persons, वो temporarily भी हो सकता है formulated वो association, वो permanent भी हो सकता है, वो फॉर्म हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, वर्कमैन एंड वर्कमैन,
एंड एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, मतलब जिन लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं उन्हीं के ही रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए प्राइमरीली इसी पर्पज से ये जो है ट्रेड यूनियंस वो फॉर्मुलेट होती है, ठीक है, या फिर फॉर्मुलेट होती हैं कि जो भी ट्रेड या बिजनेस चल रहा है उनका कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस इम्पोज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं और उनका जो कहीं ना कहीं वेज रेट सिस्टम है वो फिक्स नहीं है या फिर बहुत लो है एज़ पर दी प्रिस्क्राइब लिमिट जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स की है, राइट। अब वहाँ पर ट्रेड यूनियन फॉर्म करते हैं वहीं के ही वर्कमैन, और कहीं ना कहीं वो इस उसमें खड़े होते हैं कि हमारे जितने भी साथी वर्कमैन हैं उनके राइट्स के लिए हम खड़े हुए हैं और हम ये कंडीशंस इम्पोज करते हैं दैट हम तभी काम करेंगे जब हमारे वेज रेट इस लिमिट पे दिए जाएंगे। मतलब वो एक लिमिट अपनी प्रपोज करते हैं, एक वेज रेट प्रपोज करते हैं कि जब हमको इतना वेज रेट दिया जाएगा, जब हमको इतना सैलरी दिया जाएगा तभी हम काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन या तो इन लोगों के रिलेशंस को बिल्डअप करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए फॉर्म होती है, या फिर कुछ इस तरह के की रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस इम्पोज करने के लिए अपॉन द ट्रेड और बिजनेस एज पर दिस डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट। ऑल्सो इट इंक्लूड्स एनी फेडरेशन ऑफ टू और मोर ट्रेड यूनियंस, मतलब कि इस टर्म, ये जो ट्रेड यूनियन टर्म है ना, इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस का जो फेडरेशन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, इस ट्रेड यूनियंस टर्म के अंदर, ठीक है ना। अभी एक केस है हमारे पास, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, बड़ा लंबा नाम हो गया, दोबारा पढ़ते हैं ज़रा। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सो वेयर द फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस इज नॉट रजिस्टर्ड, इट इज़ नॉट अ ट्रेड यूनियन अंडर द एक्ट, इट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू रेज द डिमांड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज विच कैन फॉल इन द एम्बिट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इस केस में ये बोला गया बिकॉज द फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन वो रजिस्टर्ड नहीं थी विद इन द एक्ट, देयरफॉर वो ट्रेड यूनियन नहीं मानी गई और इसीलिए वो कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो एम्प्लॉयज़ की डिमांड को यू नो पुट फोर्थ करें या वो एज अ ट्रेड यूनियन कोई डिमांड रेज करें ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज विच फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड देयरफॉर दे कैन नॉट रेज द वॉइस ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द पर्टिकुलर बैंक, ठीक है ना। तो ये हमारा एक केस हो गया ट्रेड यूनियन से रिलेटेड। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ सेक्शन 2 को याद करने की, ये ट्रिक है, इसे याद कर लो और ऐसे ही आपके सारे सेक्शन सब सेक्शन जो है वो याद हो जाएंगे। ई ओ पी आर क्यूब टी स्क्वायर, ये याद करना है, ये निमोनिक्स है, ई ओ पी आर क्यूब टी स्क्वायर। अब तुम देख लो ई ओ पी आर क्यूब टी स्क्वायर का क्या सीन है भैया, जल्दी से बता देती हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, ई ओ ई एग्जीक्यूटिव, ओ ऑफिस बियरर, ई ओ पी पी मतलब प्रिस्क्राइब्ड, ई ओ पी हो गया, फिर है आर क्यूब, तो आर क्यूब में पहला आएगा रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर आएगा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और फिर आएगा रजिस्ट्रार, तो ये हो गया आर क्यूब, और फिर है ई ओ पी आर क्यूब टी स्क्वायर। तो पहले टी में क्या है, पहले टी में है ट्रेड डिस्प्यूट और फिर टी में है लास्ट में, क्योंकि बताया लास्ट टू एच है ट्रेड यूनियन, तो हो गया हमारा ई ओ पी आर क्यूब टी स्क्वायर। तो अगर ये याद करने में दिक्कत हो रही है तो उम्मीद करती हूँ ये निमोनिक से आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। एक क्योंकि इन्हीं सेक्शन से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है इसीलिए ये सेक्शन हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, दैट इज सेक्शन 14। लेट्स सी व्हाट डज इट से, इट टॉक्स अबाउट सर्टेन एक्ट्स नॉट टू अप्लाई टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ये बात करता है, ये बताता है कुछ सर्टेन यू नो क्लासिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्ट्स हैं, लेजिस्लेशंस हैं जो कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस पे अप्लाई नहीं होंगी। सो लेट्स रीड, फॉलोइंग एक्ट्स शैल नॉट अप्लाई टू एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, कौन कौन से हैं वो एक्ट्स, पहला है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एंड कंपनीज एक्ट 1956। तो ये तीनों एक्ट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पे अप्लाई नहीं होंगे, सेक्शन 14 में साफ लिखा है और ये आप ध्यान रखना, सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी ट्रेड यूनियन अंडर एनी सच एक्ट शैल बी वॉइड, अगर कोई भी तरीके का ट्रेड यूनियन इन एक्ट के अंदर होता है, रजिस्ट्रेशन किसी भी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन इन एक्ट्स के अंदर होता है तो वो रजिस्ट्रेशन क्लियर कट वॉइड माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा
अभी तक का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस और सेक्शन 14। अब हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्ट का, कि ट्रेड यूनियन कैसे रजिस्टर होती है, क्या मोड है, क्या एप्लीकेशन दी जाती है, एप्लीकेशन के साथ किया दिया जाता है, फिर जो रजिस्ट्रार अपॉइंट किया उसकी क्या पावर्स हैं, कैसे वो सर्टिफिकेशन देता है, किन कंडीशंस पे वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, जब उसने कैंसिल कर दिया तो कैसे अपील ले जाई जा सकती है, तो वो सब आगे देखते हैं। चलिए, ये है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, सेक्शन 3 से सेक्शन 13 बात करता है, और मैं बता रही हूँ आपको एक एक सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, हर सेक्शन सीरीज में किसी ना किसी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट की बात करता है। टोटल 11 सेक्शंस हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया टोटल 33 सेक्शन है इस पूरे एक्ट में, जिसमें से 11 तो आपके रजिस्ट्रेशन के ही सेक्शंस हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक सिनॉप्सिस देती हूँ कि एक एक सेक्शन क्या बात करता है, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। सबसे पहले देखो, रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है वो किसके पास जानी है, वो रजिस्ट्रार के पास जानी है। पहले वो ऑफिस, वो बंदा सेटअप होना चाहिए ना, वो अथॉरिटी सेटअप होनी चाहिए। तो पहले हमारा रजिस्ट्रार अपॉइंट हुआ। फिर उसके अगले सेक्शन में मैं बताया कि मोड क्या है रजिस्ट्रेशन का, कितने मेंबर्स होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के वक्त, कितने मेंबर्स साइन करेंगे, वो सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइडेड है। फिर सेक्शन 5 बात करता है फाइनली एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि हम एप्लीकेशन सबमिट करेंगे रजिस्ट्रेशन की, किसे करेंगे, कैसे करेंगे, साथ में क्या डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स दी जाती है, वो सब सेक्शन 5 बताता है। अब सेक्शन 5 में आपको ये भी बताएंगे कि एप्लीकेशन के साथ आपको एक ट्रेड यूनियन की रूल स्टेटमेंट सबमिट करनी है, कि ट्रेड यूनियन के क्या क्या रूल्स हैं, कैसे वो काम करता है, वो सब। तो सेक्शन 6, उसके अगले ही सेक्शन में हमको बताया है रूल स्टेटमेंट की डिटेल्स, कि इनकी रूल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये प्रोवाइड किया है, तो ये याद रख लोगे ऐसे। उसके बाद अगला सेक्शन बात करें, सेक्शन 8 बात करता है रजिस्ट्रार की कुछ पावर्स का, कि किन सिचुएशन में रजिस्ट्रार जो है कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मंगा सकता है, या फिर कुछ और चीज़ों के लिए बुला सकता है ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को, तो वो रजिस्ट्रार की पावर डील करता है। फिर सेक्शन 8 में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो वो बताता है कैसे रजिस्ट्रेशन फाइनली हो गया। फिर अगले सेक्शन, सेक्शन 9 में रजिस्ट्रार जो है ट्रेड यूनियन को सर्टिफिकेट देता है, दैट इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सेक्शन 9 हो गया हमारा सर्टिफिकेट। अब तो पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया ना, अब बात करते हैं बात बिगाड़ने की, है ना। तो सेक्शन 10 बात करता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं या किस किस तरह से जो है ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, राइट। अब कैंसिल हो गया तो अब उसके अगेंस्ट अपील लेके जाओ उस जो रजिस्ट्रार के उस ऑर्डर के अगेंस्ट। तो अगला ही सेक्शन, सेक्शन 11 बात करता है अपील्स लेके जाते हैं, जो भी रजिस्ट्रार के ऑर्डर से अगर पर्सन कोई सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट अपील लेके जाएगा, किसके पास लेके जाएगा, कितने दिनों में लेके जाएगा, वो सेक्शन 11 बात करता है। सेक्शन 12 बात करता है रजिस्टर्ड ऑफिस की। याद होगा हमने सेक्शन 2 के क्लॉज में पढ़ा था, तो रजिस्टर्ड ऑफिस कौन होगा, कैसे होगा, और वो सब की जो भी प्रोविज़न है वो सेक्शन 12 में बात करता है। और आखिरी सेक्शन जो है रजिस्ट्रेशन के अंदर, वो है सेक्शन 13, जो कि बताता है कि रजिस्ट्रेशन का इफ़ेक्ट क्या होगा, या हम ये कह सकते हैं कि जब एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसको क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, वो बात कराता है सेक्शन 13। ठीक है, तो ये आपका सिनॉप्सिस हो गया, और एक सीरीज़ में है सारे सेक्शन, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, दो बार भी आपने लग के रीड कर लिया तो। चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। अब ये मत सोचना कि वीडियो लंबा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अरे लंबा खिंच रहा है, इतना लंबा कौन पढ़ता है। देखो, एक मेरी भी तो बहुत मेहनत और एनर्जी लग रही है ना, पहले मैंने ये नोट्स बनाया आपके लिए, फिर अब मैं लेक्चर आपके लिए सामने डिलीवर कर रही हूँ, फिर उसमें जो भी गलतियाँ हैं उसको एडिट किया जाएगा, फिर अपलोड किया जाएगा, सो इट ऑल्सो टेक्स टू मी अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। सो एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है, अगर लग के भी आपने ये 1.5 घंटे का लेक्चर देख लिया है ना, आराम से सुन के बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से, सो आई गारंटी यू कि आपको चीज़ें सारी की सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए सेक्शन 3 बात कर रहा है रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट की। तो कौन अपॉइंट करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है वो हमने
पहले ही सेक्शन 2 में देख लिया। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक पर्सन को अपॉइंट करती है एज अ रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट के लिए रजिस्ट्रार अपॉइंट किया जाता है जो कि ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट द एडिशनल रजिस्ट्रार एंड डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। और रजिस्ट्रार के साथ साथ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ट्रेड यूनियंस के लिए एडिशनल या डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी अपॉइंट कर सकते हैं। एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही स्पेसिफाई करते हैं कि इन रजिस्ट्रार्स का क्या लिमिट होगा, किसके विद इन ये कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या इनकी पावर्स होंगी, क्या इनके फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 3। देखो क्या ही था इसमें, बस इतना बताया कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगी और इसमें एडिशनल भी अपॉइंट कर सकती है, डेप्यूटी भी अपॉइंट कर सकती है, इनकी पावर्स और फंक्शंस भी वही बताएगी। बस ठीक है ना। चलो सेक्शन 4 क्या था कि रजिस्ट्रेशन का मोड क्या है। तो भैया देखो रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन की बात करें तो वो रजिस्टर्ड भी होती है, अनरजिस्टर्ड भी होती है और रिकॉग्नाइज भी होती है। लेकिन टॉप वैल्यू जो होती है, कंसिडरेबल वैल्यू जो होती है, वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की होती है। और हम यहाँ पे यही जान रहे हैं कि ट्रेड यूनियन रजिस्टर होता कैसे है। तो सुने ध्यान से कि 7 और मोर मेंबर्स में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। कि मिनिमम आपकी लिमिट दी हुई है इसके अंदर कि मिनिमम 7 लोग या 7 से कितने भी ज़्यादा, वो मैक्सिमम लिमिट नहीं है। 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम दे रखा है कि कम से कम न्यूनतम 5 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। एंड ऑल ऑफ देम हु आर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन दे मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अब मैंने बताया ना एक ट्रेड यूनियन का रूल स्टेटमेंट होता है, तो उसमें ये लिखा जाता है कि किन लोगों ने अप्लाई किया। तो वहाँ पे उन लोगों को अपने नेम सब्सक्राइब करने होंगे दैट वी आर द वंस हु अप्लाइड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेड यूनियन। राइट, तो ये हो गई पहली चीज़ कि कितने मिनिमम लोग अप्लाई करेंगे। आगे, नो ट्रेड यूनियन शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस 10% और 100 विच एवर इज लेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एट द मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन विच इट इज़ कनेक्टेड। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो कि कोई भी ट्रेड यूनियन रजिस्टर नहीं होगी जब तक जो जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड या कनेक्टेड वो ट्रेड यूनियन है, उस इंडस्ट्री के या तो 10% जितने मेंबर है उसका 10% या फिर 100 मेंबर, जो भी लेस है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री में 500 कर्मचारी है, 500 वर्कमैन है, उसका 10% कितना हुआ, उसका 10% हुआ 50 मेंबर या फिर 100 मेंबर। अब इन्होंने बोला है विच एवर इज लेस, तो 50 इज लेसर देन 100, राइट। तो 50 वर्कमैन जो हैं आउट ऑफ 500 वो उस ट्रेड यूनियन के मेंबर होना इज कंपल्सरी। अगर ऐसा नहीं है तो वो जो कनेक्टेड ट्रेड यूनियन है वो रजिस्टर नहीं होगी, उसका एप्लीकेशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये कंडीशन है विच इज़ नेसेसरी टू बी फॉलोड प्रायर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस। क्लियर? ऑन द डेट, अच्छा किस दिन, ये भी जानो किस दिन वो इतनी जो की लिमिट है कि 10% या 100 वर्कमैन होने चाहिए मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन। ऑन द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी जा रही है, अप्लाई किया जा रहा है, उस दिन ये आपकी जो प्रिस्क्राइब लिमिट है वो फुलफिल होना इज नेसेसरी। राइट, फर्दर इफ मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स हु अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन सीज टू बी मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन देन सच एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड एज इनवैलिड। और अगर जो टोटल मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के उसके मोर देन हाफ से कम नहीं मोर देन हाफ मेंबर्स जो हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, फॉर एग्जाम्पल 7 ही लोगों ने जैसे अप्लाई किया था, 7 में से जैसे इसका हाफ कितना हुआ, 3.5 हुआ, फॉर एग्जाम्पल 4 लोगों ने सीज कर दिया, मतलब उन लोगों ने ट्रेड यूनियन छोड़ दिया, वो उसके मेंबर नहीं है, सिर्फ 3 ही जन रह गए, मतलब वो 3 ही रह गए जिन्होंने अप्लाई किया था, बाकी 4 निकल गए, तो वहाँ पे वो एप्लीकेशन मानी जाएगी इनवैलिड, वहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही फर्दर अप नहीं होगा। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब एप्लीकेशन चली गई है उसके बाद भी जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से मोर देन हाफ पर्संस अभी भी एग्जिस्ट करते हों एज दी मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमने क्या क्या जाना, हमने पहली चीज़ जानी कि कितने लोग होने चाहिए जो कि अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, कितने लोग होने चाहिए जो कि मस्ट हैं टू बी द मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन आउट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इंडस्ट्री, और कितने लोग होने चाहिए प्रेजेंट एज अ मेंबर वेन द एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंट फॉर रजिस्ट्रेशन।
राइट. सो मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स हु अप्लाई, जिन्होंने अप्लाई किया था फॉर रजिस्ट्रेशन, दे मस्ट बी प्रेजेंट एज अ मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन वाइल द एप्लीकेशन इज इन प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. राइट, तो ये हो गया हमारा मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगला सेक्शन डिस्कस करते हैं. अब हमारी एप्लीकेशन जा रही है, एप्लीकेशन भेजी जाएगी, क्या क्या साथ में जाएगा वो जानते हैं. तो एप्लीकेशन किसके पास जाएगी? तो एप्लीकेशन शुड बी सेंड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, जिस स्टेट में वो ट्रेड यूनियन है और उसमें जो रजिस्ट्रार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है उसके पास ये एप्लीकेशन जाएगी. एप्लीकेशन मस्ट बी इन फॉर्म ए, एक फॉर्म ए शेड्यूल में है जो कि प्रिस्क्राइब्ड है बाय द लेजिस्लेशन, उसी फॉर्मेट में वो एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी. इट मस्ट बी अकम्पनीड विद, अब एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी जमा किए जाएंगे बाय द ट्रेड यूनियन. वो क्या क्या? पहला है कॉपी ऑफ रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन की जो रूल्स बुक है, जो रूल स्टेटमेंट है उसकी कॉपी सबमिट होगी. दूसरा, जो ट्रेड यूनियन की बैलेंस शीट है, जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ का स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट, उसकी भी कॉपी वो आप एप्लीकेशन के साथ सबमिट करोगे टू द रजिस्ट्रार. और तीसरा है स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ये सारे पर्टिकुलर्स का भी एक स्टेटमेंट बना के इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट सबमिट किया जाएगा, जिसमें क्या क्या लिखा होगा, नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस ऑफ द मेंबर्स हुआ मेकिंग द एप्लीकेशन. जो मेंबर्स एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उनका नाम, उनका एड्रेस और उनका ऑक्यूपेशन, ट्रेड यूनियन का नाम, ट्रेड यूनियन के हेड ऑफिस का एड्रेस, बाकी जो ट्रेड यूनियन के एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है यानी कि जो उसमें जो ऑफिस बियरर हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स हैं एक्सेप्ट ऑडिटर्स, उनका टाइटल, उनका नाम, उनका एज, उनका ऑक्यूपेशन और उनका एड्रेस, इन सभी चीज़ों का एक स्टेटमेंट बनेगा और वो भी साथ में एप्लीकेशन के सबमिट होगा टू द रजिस्ट्रार. तो बेसिकली एप्लीकेशन के साथ साथ तीन डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं, एक रूल स्टेटमेंट, एक जनरल स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट और तीसरा इन सारे पर्टिकुलर्स का एक स्टेटमेंट. ठीक है ना. अब सेक्शन 6 मैंने बताया था, हम ये जानेंगे कि जो रूल स्टेटमेंट है उसमें क्या क्या रहता है. द प्रोविजंस टू बी कंटेंड इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन. सो एवरी ट्रेड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज रिक्वायर्ड टू हैव रिटन रूल्स डीलिंग विद फॉलोइंग मैटर्स. एक रिटन रूल स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें क्या क्या है वो मैटर्स, द नेम ऑफ ट्रेड यूनियन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन, द पर्पस फॉर विच द जनरल फंड शैल बी एप्लीकेबल. जो भी फंड्स हैं ट्रेड यूनियन के इकट्ठे किए जाएंगे मंथली सब्सक्रिप्शन के द्वारा, वो किन किन पर्पसेज में यूज़ किए जाएंगे, यूटिलाइज किए जाएंगे, मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ मेंबर्स, पूरी जो मेंबर्स हैं जितने भी मेंबर हैं ट्रेड यूनियन के उनकी लिस्ट पूरी तैयार की जाए वो उस पर मैंशन होगा, पेमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन बाय द मेंबर्स कि कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है ट्रेड यूनियन के मेंबर्स पे करेंगे, मैनर इन विच द रूल्स शैल बी अमेंडेड और वेराइड, किस तरीके से जो रूल्स हैं वो अमेंड हो सकते हैं, वो वेरी हो सकते हैं, द मैनर इन विच द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड ऑफिस बियरर्स शैल बी इलेक्टेड एंड रिमूव, किस ढंग से एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स, ऑफिस बियरर्स जो है ट्रेड यूनियन के वो इलेक्ट होंगे, किस ढंग से या किस ग्राउंड पे वो रिमूव हो सकते हैं, एंड द मैनर इन विच द ट्रेड यूनियन में भी डिसॉल्व, और वो सारा मैनर, वो सारा प्रोसीजर जिसके अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन खुद डिसॉल्व हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें रूल स्टेटमेंट में मेंशन होंगी. किस में प्रोवाइडेड है? सेक्शन 6 में प्रोवाइडेड है. क्लियर. एक केस है हमारे पास, एमटी चंद्रसेनन वर्सेस सुकुमारन, AIR 1974. So in this case it was held that if the subscriptions are not paid in accordance with the bylaws of trade union, then the persons who have failed to pay cannot be considered as a members of union. So, in this case mein ye bola ki jo bhi ek subscription dena tha as per the rules bylaws of trade union, agar jo members hai ya fir jo persons ko usme enter hona hai as a member, agar wo pay karne mein fail ho jate hain, agar wo pay nahi karte hain on time, to they shall be considered, they shall be seized to be as members of union. फिर वो उस union के member नहीं कहलाए जाएंगे. ठीक है, एक केस और ले लेते हैं यहाँ पे, बोकाजन सीमेंट कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन वर्सेज सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2004 का केस है ये. इन द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन एम्प्लॉय वुड नॉट ऑटोमेटिकली सीज टू बी अ मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन ऑन टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट बिकॉज देयर वॉज नो सच प्रोविजन आइदर इन द ट्रेड यूनियन एक्ट और इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन. तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि जैसे ही किसी एम्प्लॉय की, किसी वर्कमैन की एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि एज सून एज उसकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई तो वो ट्रेड यूनियन का मेंबरशिप से भी सीज हो गया. नहीं, इट वुड नॉट ऑटोमेटिकली सीज द मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऐसा प्रोविजन ना तो ट्रेड यूनियन एक्ट में प्रोवाइडेड है, ना ही किसी और यूनियंस के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है. ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये इस केस में बोला गया. तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. अगले सेक्शन की टवर्ड्स बढ़ते हैं. मैंने बताया था सेक्शन 7 डील करता है रजिस्ट्रार की पावर के बारे में. तो यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास पर्टिकुलरली इस सेक्शन के विद इन दो पावर है. पहला है, रजिस्ट्रार बुला सकता है ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को कि ये पर्टिकुलर्स आप प्रेजेंट करें, ये डॉक्यूमेंट्स आप और लेके आएँ, तो उसके लिए बुला सकता है. एंड दूसरा, इट मे रिक्वायर द ऑल्ट्रेशन ऑफ द नेम ऑफ ट्रेड यूनियन. जो ट्रेड यूनियन ने अपना नाम दिया है कि ये हमारा ट्रेड यूनियन का नाम है या होगा इन द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो उसको ऑल्टर कराने के लिए भी रजिस्ट्रार जो है वो बुला सकता है या बोल सकता है. ये क्यों करेगा? या तो जो नाम रखा गया है वो बिल्कुल ही सिमिलर है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, उससे तो बोलेगा कि भैया चेंज करो, ऐसा ट्रेड यूनियन ऑलरेडी इस नाम का एग्जिस्ट करता है. या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड नहीं है पर बिल्कुल आइडेंटिकल है, जिससे कि पब्लिक या ट्रेड यूनियन के आपस में मेंबर्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमारी कौन सी है. इतना सिमिलर हो सकता है वो, कहीं ना कहीं आइडेंटिकल किसी भी टर्म में हो सकता है, मीनिंग के टर्म में हो सकता है, स्पेलिंग के टर्म में हो सकता है. तो उस सिचुएशन में भी रजिस्ट्रार बोलेगा ट्रेड यूनियन को कि आप अपना पूरे प्रोसीजर के साथ नाम बदल लें. ठीक है, तो समझ में आ गया. रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन विल बी रिफ्यूज बाय रजिस्ट्रार इफ़ द नेम ऑफ ट्रेड यूनियन विच इज़ प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड इज आइडेंटिकल विद एनी एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन और सो सिमिलर विच मे डिसीव द पब्लिक और द मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन. देन इन सच केस रजिस्ट्रार मे रिक्वायर द ट्रेड यूनियन टू चेंज इट्स नेम एंड विल बी रजिस्टर्ड ओनली आफ्टर सच ऑल्ट्रेशन. और अगर ऐसा नहीं करते हैं ट्रेड यूनियन तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आगे फर्दर प्रोसीजर नहीं होगा. ठीक है ना. Also, the registrar may ask for any further information which he thinks necessary for the registration. और जो भी information necessary लगती है कि ज़रूरत है registration के दौरान, तो वो registrar जो है वो बुला सकता है, मंगा सकता है. समझ में आ गया section 7 में registrar का powers जो है. अब हम लोग next section discuss करते हैं जो कि बहुत ही important section है, registration का section. The registrar will register the trade union if he is satisfied that it has complied with all the requirements of the act for registration. तो अब जब registrar को लगता है भाई कि सारी requirements जो हैं वो fulfill हो गई हैं which are prescribed in the act for registration, जो भी registration के लिए ज़रूरी होती हैं, फिर उसके बाद जो है वो उस ट्रेड यूनियन को register कर लेगा. Registrar shall register the trade union by making the necessary entries in the register. अपने register में जो भी प्रिस्क्राइब मैनर है उस ढंग में नेसेसरी एंट्रीज करके ट्रेड यूनियन का नाम रजिस्टर में मेंशन कर लेगा. द वर्कमैन ऑफ एन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट कैन फॉर्म एज मैनी यूनियंस एज दे लाइक. और वर्कमैन जो हैं किसी भी इंडस्ट्री के पर्टिकुलर वर्कमैन जितने भी मेंबर्स हैं वो चाहे तो कितनी भी यूनियन बना सकते हैं, इस पर कोई भी लिमिट नहीं है. ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट है. ठीक है, तो यहाँ सेक्शन 8 में हमारा हो गया ना, रजिस्ट्रेशन हो गया कि सारी चीज़ें वो कंप्लाई कर रहे हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हैं, तो उन्होंने एज पर द प्रिस्क्राइब रूल्स उनको रूल अपने रजिस्टर में मेंशन कर लिया कि नाउ इट इज़ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन. अब वो सर्टिफिकेट दे देंगे इसका, वो अगले सेक्शन में दे रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. सो रजिस्ट्रार ऑन रजिस्टरिंग द ट्रेड यूनियन शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉर्म विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड एंड देन सच सर्टिफिकेट शैल बी अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट द ट्रेड यूनियन हैज़ बीन ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. तो अभी रजिस्ट्रार जो है एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे ऑन द नेम ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म है उसमें, और वो जो सर्टिफिकेट होगा ना वो कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा कि भाई हाँ ट्रेड यूनियन जो है वो ड्यूली रजिस्टर्ड हो गई है, नाउ इट इज़ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन. ठीक है, ये हो गया सेक्शन 9. अब बात करते हैं कैंसिलेशन की. जितनी जल्दी बात बनती है उतनी जल्दी बात बिगड़ती भी तो है, तो वही वाली बात है. अब सेक्शन 10 में बात बिगड़ने वाली है. अब ये देखना है हमको कि किस किस ग्राउंड पे बिगड़ रही है. द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रार मे कैंसिल और विड्रॉ द रजिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस. किस किस केसेस में वो विड्रॉ कर सकता है या तो रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही कर सकता है. पहला, या तो ट्रेड यूनियन खुद अप्लाई करती है इस चीज़ के लिए कि वी वॉन्ट
कि हम अपना रजिस्ट्रेशन वापस लेना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ऐसा हो सकता है। दूसरा, इफ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट द सर्टिफिकेट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिस्टेक, अगर रजिस्ट्रार को किसी भी फर्दर स्टेज पे पता चलता है कि जो इस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन के पास जो सर्टिफिकेट है ना, ये इसने आइदर बाय फ्रॉड या बाय मिस्टेक ऑब्टेन किया है, तो ऐसे सिचुएशन में भी रजिस्ट्रार जो है वो उस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन का जो वो है सर्टिफिकेट वो या जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर सकता है। तीसरा क्या कंडीशन है, तीसरा ग्राउंड है वेयर ट्रेड यूनियन सीज टू एग्जिस्ट, कि अब ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, उसमें कोई मेंबर्स ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में भी वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और चौथा है इफ़ यूनियन हैज़ विलफुली एंड आफ्टर नोटिस फ्रॉम रजिस्ट्रार कॉन्ट्रावीन्ड एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कि अगर ट्रेड यूनियंस ने हमारे इस एक्ट के प्रोविजंस का कंट्रावेंशन किया है, मतलब इसका उल्लंघन किया है, उसका फॉलोअप नहीं किया है या उसके अगेंस्ट कोई वॉयलेटिव एक्शन किया है, और रजिस्ट्रार ने इस बात का उन्हें नोटिस भी दिया था कि आप ऐसा एक्ट कर रहे हो और ऐसा मत करो वरना आपके अगेंस्ट जा सकता है, पर वो नहीं माना, वो फिर भी कंटिन्यू करता रहा वो वॉयलेटिव एक्ट, तो ऐसे सिचुएशन में भी रजिस्ट्रार के पास राइट है, पावर है कि वो उस ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल या विड्रॉ कर सकता है। और लास्ट ग्राउंड है इफ़ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट द रजिस्टर्ड यूनियन ऑफ वर्कमैन सीजेस टू हैव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स। बताया था ना मैंने आपको कि अगर 10% या 100 नहीं बताया था, लास्ट मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन में लास्ट पॉइंट था कि अगर जितने लोगों ने अप्लाई किया था, फॉर एग्जांपल 7 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से मोर देन हाफ अब उसका मेंबर ही नहीं है, दे हैव सीज टू बी द मेंबर्स, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो ऑटोमेटिकली उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5 ग्राउंड है, अगर ट्रेड यूनियन खुद अप्लाई करता है, दूसरा अगर वो किसी भी प्रोविजंस को एक्ट के उसे कॉन्ट्रावीन करता है, तीसरा अगर वो रजिस्ट्रार को पता चलता है कि सर्टिफिकेट बाय फ्रॉड या मिस्टेक अक्वायर किया है तब, चौथा अगर ट्रेड यूनियन सीज हो गई है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है तब, और पांचवा अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि अब उस ट्रेड यूनियन में जो वर्कमैन हैं वो उतने नहीं हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, विच आर बींग रिक्वायर्ड एज पर द सेक्शन 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, तो फिर उस सिचुएशन में भी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। एंड द रजिस्ट्रार मस्ट गिव द 2 months प्रायर नोटिस इन राइटिंग टू द ट्रेड यूनियन स्पेसिफाइंग द ग्राउंड ऑन विच इट इज़ प्रपोज टू विड्रॉ और कैंसिल द सर्टिफिकेट, और रजिस्ट्रार जो है कैंसिल या विड्रॉ करने के 2 महीने पहले ही राइटिंग में ट्रेड यूनियन को नोटिस देगा कि इस ग्राउंड पे हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विड्रॉ या कैंसिल कर रहे हैं। वहाँ पे 2 महीने पहले देने का मतलब यही है कि जवाबदेही मिल जाए और ये ना हो कि उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया था, तो इसीलिए राइटिंग में 2 months प्रायर नोटिस दिया जाता है और ग्राउंड उसमें स्पेसिफाई किया जाता है। अब भैया कैंसिल कर दिया तो अब तो हो गया, अब अपील जाएगी ही जाएगी, तो अपील अगर जाती है, अगर पर्सन सेटिस्फाइड ट्रेड यूनियन सेटिस्फाइड नहीं है रजिस्ट्रार के इस ऑर्डर से, तो वहाँ पे एनी पर्सन हु इज़ अग्रीव्ड आइदर बाय रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रार टू रजिस्टर और बाय विड्रॉल और कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब 2 तरीके से वो अपील ले जा सकता है या 2 तरीके से वो परेशान हो सकता है। पहला वो तब परेशान है कि जब उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया उस वक्त रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ कर दिया, या दूसरा तब जब रजिस्ट्रार ने उनका सर्टिफिकेट कैंसिल या विड्रॉ कर दिया। तो अगर कोई भी पर्सन रजिस्ट्रार के इन ऑर्डर से या इन एक्शन से अग्रीव्ड है या परेशान है, देन सच अ पर्सन हैज़ राइट ऑफ अपील, तो ऐसे पर्सन के पास अपील का राइट है एज पर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट। द प्रोसीडिंग्स बाय वे ऑफ अपील मस्ट बी स्टार्टेड विद इन 60 days ऑफ द डेट ऑन विच रजिस्ट्रार पास द ऑर्डर अगेंस्ट विच द अपील इज मेड। ठीक है, मतलब जिस भी दिन रजिस्ट्रार ने अपना ऑर्डर दिया, जैसे कि जिस दिन उन्होंने कैंसिलेशन का ऑर्डर दिया या फिर जिस दिन उन्होंने रिफ्यूजल का ऑर्डर दिया, उसके 60 दिन के अंदर अंदर ही आपको अपील लेके जानी है, या आपका लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइडेड है इस सेक्शन में, विद इन 60 days। ठीक है ना, अब देखो किसके पास लेके जाओगे अपील वो देख लो यहाँ पे। द एक्सप्रेशन हाई कोर्ट हियर इन द एक्ट इंक्लूड्स हाई कोर्ट इन इट्स ओरिजिनल एंड द अपीलेट जुरिसडिक्शन। सो अपील किस किस के पास जाएगी ये देखो, पहला
where the head office of the trade union is situated within the limits of presidency town, then it shall lie before the high court. अगर ट्रेड यूनियन का जो हेड ऑफिस है वो प्रेसिडेंसी टाउन की लिमिट्स के अंदर सिचुएटेड है तो आपकी एप्लीकेशन जाएगी टू द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट. ठीक है, और यहाँ बताया हाई कोर्ट टर्म जहाँ मेंशन है वहाँ पे हाई कोर्ट इंक्लूडेड इट्स इंक्लूड इन इट्स आइदर ओरिजिनल एज वेल एज द अपीलेट जुरिसडिक्शन. दूसरा, वेयर हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन एन एरिया फॉलिंग विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ अ लेबर कोड और इंडस्ट्रियल कोड, देन टू दैट कोड और ट्राइब्यूनल. तो अगर हेड ऑफिस किसी ऐसी जगह पे है जहाँ जो एरिया किसी ना किसी लेबर कोड या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के जुरिसडिक्शन में आ रहा है तो वहाँ पे अपील जो है उस लेबर कोड या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में ही लाई करेगी. और तीसरा है, वेयर द हेड ऑफिस इज सिचुएटेड टू एनी अदर एरिया टू सच कोर्ट नॉट इन्फीरियर टू द कोर्ट ऑफ एडिशनल और असिस्टेंट जज ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोड ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. तो अगर इनमें से किसी भी एरिया में नहीं है, मतलब ना ही वो किसी प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर है ना ही वो किसी लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के आसपास या उसके जुरिसडिक्शन में, तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे भी हेड ऑफिस सिचुएटेड है उसके पास किसी ऐसे कोर्ट में जाएगा वेयर देर इज़ नो इन्फीरियर टू द कोर्ट ऑफ अ एडिशनल और असिस्टेंट जज ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट. जो भी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है उसके असिस्टेंट या फिर एडिशनल जज के पास ये जो है आपका अपील है वो लाई करेगी. राइट, तो ये हो गया हमारा कि अपील किस किस के पास प्रेजेंट की जाएगी. द अपीलेट कोर्ट मे डिसमिस द अपील और पास द ऑर्डर डायरेक्टिंग द रजिस्ट्रार टू रजिस्टर द यूनियन और टू इशू अ सर्टिफिकेट. तो या तो अब अपीलेट कोर्ट के ऊपर है, या तो वो अपील को डिसमिस कर सकते हैं या फिर वो ऑर्डर दे सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रार को कि अगर रेफ्यूजल वाला केस है तो बोलेंगे कि आप यूनियन को रजिस्टर करो ट्रेड यूनियन को, या अगर कैंसिलेशन वाला सीन है तो बोलेंगे कि आप इनको सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू करो. राइट, इट मे ऑल्सो सेट असाइड द ऑर्डर फॉर विड्रॉल. और वो क्लियरली सेट असाइड भी कर सकते हैं जो रजिस्ट्रार का ऑर्डर था विड्रॉल या फिर रिफ्यूजल का. द रजिस्ट्रार शैल कम्प्लाई विद एनी सच ऑर्डर पास बाय द अपीलेट कोर्ट. और अपीलेट कोर्ट ने जो भी ऑर्डर पास किया है रजिस्ट्रार ड्यूटी बाउंड है वो उस ऑर्डर को कम्प्लाई करेगा और फॉलो करेगा. क्लियर, तो गाइज अपील्स के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो गए सेक्शन 11 में, ईच वन इज इम्पॉर्टेंट एंड आई होप इट इज़ वेरी वेल क्लियर टू. नाउ वी आर हैविंग अ केस हियर, बड़ा अच्छा सा केस था तो मैंने सोचा आप लोगों को बताना चाहिए, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा केस है. आप ऐड करते हो नहीं करते हो आपकी मर्जी है, कम ज़्यादा लैंग्वेज में आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो पर समझ लो अच्छे से. केस है मुकंद आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड वर्सेस वीजी देशपांडे रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस बॉम्बे. सो इन दिस केस द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन वॉज कैंसल्ड फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 28 बाय फेलिंग टू सेंड द एनुअल रिटर्न्स. तो इस केस में क्या हुआ था कि ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था. किस ग्राउंड पे किया था कि उन्होंने सेक्शन 28 उस ट्रेड यूनियन ने एक्ट के सेक्शन 28 प्रोविजन जो है उसको कॉन्ट्रावीन किया कि उससे ट्रेड यूनियन से एनुअल रिटर्न सबमिट करने को कहा गया जो कि उन्होंने फेल हो गए वो सबमिट करने में. लेटर ऑन द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन विड्रू द कैंसिलेशन ऑन द ग्राउंड दैट द रिटर्न्स हैव बीन सबमिट सबसिक्वेंटली. लेकिन बाद में ये पता चला कि उस जिस रजिस्ट्रार ने कैंसिल किया था रजिस्ट्रेशन उसी रजिस्ट्रार ने कैंसिलेशन ही विड्रू कर लिया, मतलब उनका सर्टिफिकेशन वापस वैलिड कर दिया ये कह के इस ग्राउंड पे कि भाई रिटर्न सबमिट हो गए हैं बाद में उन्होंने रिटर्न दे दिए ट्रेड यूनियन ने. Therefore, the question for consideration was whether the registrar had the power to withdraw the cancellation. तो यहाँ पे इस केस में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो उन्होंने जो कैंसिलेशन किया उसको विड्रॉ कर सकते हैं. सो इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट. तो यहाँ तक आपका ये फैक्ट से, अब देखो कोर्ट में क्या हेल्ड हुआ इस क्वेश्चन पे. इट वॉज हेल्ड दैट अ ट्रेड यूनियन हुज रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसल्ड हैज़ रेमेडीज इन द फॉर्म ऑफ अपील और इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन. मैंने बोला कि अगर ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो उनके पास रेमेडीज तो प्रोवाइडेड है ना एक्ट के अंदर कि या तो वो अपील ले जा सकते हैं या फिर वो एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इफ़ द अपील सक्सीड्स द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन कुड बी हेल्ड टू बी वॉइड ऑफ एन इश्यू. और अगर अपील सक्सीड हो जाती है तो ये कैंसिलेशन जो है वो वॉइड हो जाएगा एंड द यूनियन वुड कंटिन्यू एज इट If order of cancellation has not been passed, मतलब वो एक valid registered trade union की तरह exist करेगी, continue करेगी.
इफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज परमिटेड इट वुड ऑपरेट फ्रॉम दैट डेट, और अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन परमिट हो गया तो वो फ्रेश डेट से ऑपरेट करेगी जिस दिन से उसको परमिट कर दिया गया. बट वंस द रजिस्ट्रार कैंसल्स और विड्रॉज द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन, ही हैज नो पावर टू रिव्यू इट एंड ही कैन नॉट विड्रॉ दैट पावर दैट ऑर्डर बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स. हेंस द ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ विड्रॉइंग द कैंसिलेशन ऑर्डर इज विदाउट हिज ज्यूरिसडिक्शन. कि मतलब अगर उसका कैंसिल हुआ है तो वो या तो अपील ले जाएगा या फिर वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेगा, और अगर उसका क्या नाम है अपील सक्सीड हो जाती है या उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिलता है तो वो वापस कंटिन्यू करेगा एज अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन. लेकिन रजिस्ट्रार के पास ये पावर नहीं है कि वो अपनी जो उसने एक्शन लिया उसको रिव्यू कर सकता है, कि या फिर वो अपने ऑर्डर को विड्रॉ कर सकता है कि भाई सब्सिक्वेंटली क्या हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता. पर रजिस्ट्रार के पास ये पावर नहीं है, ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि वो अपने कैंसिलेशन पावर्स को विड्रॉ करे, और यही चीज़ इस केस के अंदर हेल्ड हुई थी. है ना, ये एक अच्छा केस, ये मतलब कहीं ना एक बहुत ही होलसम केस है. इसमें कैंसिलेशन की बात भी है, इसमें रजिस्ट्रेशन की बात भी है, इसमें अपील की बात भी है. तो दिस इज़ वेरी गुड केस, बहुत अच्छा केस है ये. तो आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा और एक स्टोरी की तरह ही पूरा याद हो गया होगा. आप तो लिख सकते हो, बस केस का नाम याद रखना, ठीक है ना. चलो, दो सेक्शन बचे हैं ना रजिस्ट्रेशन के, जल्दी से देख लेते हैं. सेक्शन 12 बात करता है रजिस्टर्ड ऑफिस की. तो क्या कह रहे हैं ये कि जो भी नोटिसेस दिए जाने हैं, जो भी कम्युनिकेशंस की जानी है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को, वो एड्रेस की जाएंगी टू इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, जो भी उसने रजिस्टर कराया था कि मेरा ये हेड ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस माना जाएगा. और अगर उस हेड ऑफिस में कोई भी चेंज होना है उसके एड्रेस में, कि वो शिफ्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं उसके एड्रेस में, तो उसका नोटिफिकेशन जो है 14 दिन के विद इन सच चेंज, उस चेंज के 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इन राइटिंग सबमिट करना होगा या नोटिफाई करना होगा, ठीक है ना. तो ये हो गया हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस का कॉन्सेप्ट. और लास्ट सेक्शन है हमारा, मैंने बताया था इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, या इसका टाइटल है इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन. मतलब जैसे एक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके पास जो एडवांटेजेस या जो फीचर्स होते हैं ना, वो सेम फीचर आ जाते हैं ट्रेड यूनियन के रजिस्टर होने के बाद. जैसे कि वो अपने रजिस्टर्ड नेम पे सू हो सकता है, सू कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, या फिर कॉमन सील होल्ड करेगा. तो ये सारी पावर आ जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है. द ट्रेड यूनियन आफ्टर रजिस्ट्रेशन बिकम्स एंटाइटल टू मेनी एडवांटेजेस. एज पहला, इट बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम अंडर विच इट इज रजिस्टर्ड. की एक कॉर्पोरेट बॉडी बन जाता है उस नाम से जिस नाम से ये रजिस्टर हुआ है. इट गेट्स अ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब फॉर अ इनडेफिनेट पीरियड इट विल कॉन्टिन्यू. ऑल्सो इट विल बी हैविंग अ कॉमन सील, जैसे कि कंपनी के पास होती है. ऑल्सो इट कैन अक्वायर और होल्ड बोथ मूवेबल एंड द इमूवेबल प्रॉपर्टी. ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, वो अक्वायर भी कर सकती है और होल्ड भी कर सकती है. ऑल्सो इट कैन कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द एजेंट्स एंड इट कैन ऑल्सो सू एंड बी सूड इन इट्स रजिस्टर्ड नेम. ये केस भी कर सकती है किसी पे, और ये अपने रजिस्टर्ड नेम पे इसके ऊपर भी केस हो सकता है, ये सू हो सकती है किसी केस के अंदर. तो गाइज, ये हो गए हमारे सेक्शन 3 से 13, 11 सेक्शन आपके रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस. एवरीथिंग वॉज इक्वली इंपॉर्टेंट, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है. हर लाइन आपके लिए ज़रूरी थी फॉर योर प्रेपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द राइट्स, इम्यूनिटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ट्रेड यूनियंस. ट्रेड यूनियंस के क्या क्या राइट्स हैं इस एक्ट के अंदर, क्या उन्हें कुछ इम्यूनिटीज़ दी गई हैं, कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, और क्या उनके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज़ इम्पोज की गई हैं. तो सेक्शन 15 से सेक्शन 28, अब देखो 14 तक हमने सारे डिस्कस कर लिए. 1, 2 और 14 इनिशियली बताए थे, फिर रजिस्ट्रेशन के अंदर 3 से 13 डिस्कस किए थे. अब एक बार में 15 से 28 सेक्शन जो है वो ट्रेड यूनियन के राइट्स, लाइबिलिटीज़ और इम्यूनिटीज़ कवर कर रहा है, ठीक है. तो राइट्स से शुरुआत करते हैं, लेट्स रीड इट. द ट्रेड यूनियंस आर ग्रांटेड द राइट्स सो दैट दे मे बी एबल टू टेक द अप्रोप्रिएट एक्शंस फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर दिस फॉर विच दे हैव बीन फॉर्म्ड. तो ट्रेड यूनियंस को इस एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स भी
प्रोवाइड किए गए हैं जो कि नेसेसरी हैं ताकि वो लोग अप्रोप्रिएट एक्शंस ले सकें फॉर द फुलफिलमेंट और अटेनमेंट ऑफ द राइट पर्पसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। और उन ट्रेड यूनियंस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो फॉर्मुलेट हुए हैं उनको वो परफॉर्म कर सकें, उनको वो फुलफिल कर सकें, इसीलिए कुछ राइट्स जो हैं उन्हें प्रोवाइड किए हैं। पहला है हमारा सेक्शन 15 में, अंडर सेक्शन 15 अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैज़ अ राइट टू एस्टेब्लिश अ जनरल फंड। पहला है कि जो भी एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उसके पास राइट है कि वो एक जनरल फंड जो है वो एस्टेब्लिश कर सकता है और उस फंड में जो भी पैसा कलेक्ट होगा, जो भी फंड होगा वो स्पेंड किन किन एक्टिविटीज़ पे होगा वो भी सेक्शन 15 में मेंशन है। फॉर सैलरीज टू बी गिवन टू द ऑफिस बियरर, ऑफिस बियरर्स जो हैं उनको सैलरी जो दी जाएगी वो उस फंड में से दी जाएगी। द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, कंपनसेशन टू द वर्कर्स ड्यू टू एनी लॉस अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रेड डिस्प्यूट, अगर कोई भी वर्कर्स के बीच में वर्कर एम्प्लॉय का या वर्कर वर्कर का कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है उसकी वजह से अगर वर्कर्स को कोई भी लॉस अगर सफ़र करना पड़ता है तो वो कॉम्पनसेशन भी इसी फंड में से दिया जाएगा। इसके अलावा और जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ में एक्सपेंसेस इनकर होंगे वो सारे इस फंड में से होंगे। बेनिफिट्स जो भी वर्कर्स को दिए जाएंगे, अगर किसी की डेथ हो गई है, किसी को जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोई अगर उसे डिसेबिलिटी हो गई है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट या अगर वो अनएम्प्लॉयड हो गया है, अगर उसके रिगार्डिंग भी अगर ट्रेड यूनियन कवर करता है उस एस्पेक्ट को भी, तो वो सारे बेनिफिट्स जो भी कवर होंगे वो दैट विल बी कन्फर्ड विद द फंड, विद द फंड ऑफ द जनरल फंड, राइट। इसके अलावा फॉर पब्लिशिंग द मटीरियल्स विद द एम ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस, कोई भी तरीके के पैम्पलेट्स हो गए या कोई भी बुकलेट्स हो गए वो सारे जो भी पब्लिश होना है वो सब इस पैसे से होगा। वर्कर्स की ट्रेनिंग में, वर्कर्स के एजुकेशन में, उनके डिपेंडेंट्स के एजुकेशन में अगर जो भी खर्चा होगा वो इस जनरल फंड से होगा। इसके अलावा कोई भी और मेडिकल ट्रीटमेंट में पैसा खर्च करना है वो सब, या जो भी अगर वर्कर्स के वेलफेयर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रहे हैं अगर ट्रेड यूनियन, तो वट एवर द एक्सपेंस विल बी यू नो इनकर अपॉन ऑल दीज एक्टिविटीज़ दैट विल बी यूटिलाइज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जनरल फंड, जिसको एस्टेब्लिश करने का राइट सेक्शन 15 में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को दिया जाता है। ये हो गया हमारा पहला राइट। दूसरा राइट है अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैज़ अ राइट टू एस्टेब्लिश अ पॉलिटिकल फंड फॉर मेंबर्स, सब्सक्रिप्शन टू दिस फंड इज़ नॉट मैंडेटरी। इसके अलावा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस को राइट दिया है कि वो पॉलिटिकल फंड भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में दे आर बीइंग इन्वॉल्व उसके लिए वो फंड इकट्ठा कर सकते हैं, कोई भी कैंपेनिंग हो गई या और भी कोई तरीके के इलेक्शंस हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें मेंबर्स को बिल्कुल भी यू नो कोई तरीके का फोर्स नहीं किया जाएगा दैट दे हैव टू पे द सब्सक्रिप्शन फीस, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द मेंबर्स टू सब्सक्राइब दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल फंड। तीसरा राइट है अंडर सेक्शन 23 में अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन चेंज द नेम विद मिनिमम 2/3 मेजॉरिटी एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 25 मस्ट बी फुलफिल। इसमें ट्रेड यूनियन के पास राइट है कि वो अपना 2/3 मेजॉरिटी के साथ ट्रेड यूनियन का नाम चेंज कर सकते हैं। फोर्थ राइट इज दैट सेक्शन 24 गेव द राइट टू अमलगमेशन, मीन्स एनी टू और मोर देन टू ट्रेड यूनियंस में अमलगमेट इन टू वन विद और विदाउट डिसोल्यूशन ऑफ फंड्स, बट एटलीस्ट 50% ऑफ मेजॉरिटी वोट्स इज रिकॉर्डेड एंड एटलीस्ट 60% ऑफ दीज वोट्स आर इन फेवर, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ट्रेड यूनियंस के पास ये भी राइट होता है कि दो से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस मिलकर अमलगमेट कर सकते हैं, मतलब मिलकर एक ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे कि वो फंड्स को डिसॉल्व करना चाहती हैं नहीं डिसॉल्व करना चाहती हैं, पर कंडीशन है कि 50% जो है उनका पॉपुलेशन है वो मजॉरिटी मतलब जो इसको फेवर में वोट करे कि हाँ अमलगमेशन के लिए वी आर रेडी एंड 60% आउट ऑफ दोज 50% मेजॉरिटी 60% लोग जो हैं इस अमलगमेशन के फेवर में होने चाहिए, मतलब 50% जो वोट करें एंड आउट ऑफ दोज हुए वोटेड एटलीस्ट 60% आर दोज हु आर इन फेवर ऑफ सच अमलगमेशन, राइट। तो ये राइट भी इसको प्रोवाइड किया गया है बाय द एक्ट। नेक्स्ट है कि एनी मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन में इंस्पेक्ट द बुक्स हिमसेल्फ और थ्रू एजेंट, ये भी राइट है कि जो भी ट्रेड यूनियन के बुक्स हैं स्टेटमेंट्स हैं वो खुद भी इंस्पेक्ट कर सकता है या अपने एजेंट के थ्रू भी इंस्पेक्ट करा सकता है। तो हर मेंबर को ये राइट दिया गया है अंडर सेक्शन 20। फर्दर सेक्शन 21 कन्फर्स द राइट ऑफ माइनर मेंबरशिप, माइनर अबव द 15 ईयर्स ऑफ एज कैन बिकम अ मेंबर बट कैन नॉट होल्ड द ऑफिस अंटिल द अटेनमेंट ऑफ 18 ईयर्स। तो नेक्स्ट राइट ये है कि सेक्शन 21 वो माइनर्स को राइट देते हैं कि माइनर्स जो हैं
जो कि 15 साल का एज अटेन कर लिया है जिन्होंने, मतलब अबव 15 ईयर्स ऑफ एज, वो मेंबरशिप अटेन कर सकते हैं, बट वो ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे, ऑफिस वो 18 साल की उम्र अटेन करने के बाद ही होल्ड करेंगे, पर वो मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं ऑफ द ट्रेड यूनियन एज सून एज दे अटेन्स द एज ऑफ 15 ईयर्स. दिस इज़ अ राइट कन्फर्ड टू द माइनर्स मैम. नेक्स्ट हमारा है जो कि स्पेसिफिकली कोई एक्ट का प्रोविजन नहीं है, पर ये आपके लीगल राइट्स हैं कहीं ना कहीं, ये राइट्स आपको अलॉट किए गए हैं. आपको याद होगा हमने सेक्शन 13 पढ़ा था जिसमें इनकॉर्पोरेशन की बात की गई थी, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन था, तो वहीं से हम डिराइव करते हैं दैट द राइट्स ऑफ द पर्सन ऑफ द या और द मेम्बर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन हैव द राइट टू हैव अ परपेचुअल सक्सेशन, दे हैव द कॉमन सील इन इट्स नेम, राइट? ट्रेड यूनियन हैज़ अ कॉमन सील, द ट्रेड यूनियन हैज़ अ राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ बोथ द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. The trade union has a right to contract on its own name. It can sue and can be sued. तो ये कुछ legal rights हैं जो कि मिलते हैं as soon as a registration gets done of a trade union. तो guys, ये हो गया हमारा rights of trade union का concept. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा and this is all perfect for your answer writing as well. Next बात करते हैं some immunities which have been given to the trade unions. तो स्पेसिफिकली सेक्शन 17, 18 और 19 टॉक्स अबाउट द इम्यूनिटीज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड इन सर्टेन क्रिमिनल एंड द कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसीडिंग्स. लेट्स रीड सेक्शन 17 क्या कहता है. इट सेज दैट सेक्शन 17 कन्फर्स द इम्यूनिटी फ्रॉम द लायबिलिटी इन द केस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 120B ऑफ इंडियन पीनल कोड विच टॉक्स अबाउट द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दैट वॉज कमिटेड बाय एन ऑफिस बियरर और मेम्बर्स. बेसिकली इस सेक्शन के विद इन सेक्शन 17 के विद इन ऑफिस बियरर्स और मेम्बर्स को इम्यून किया जाता है फ्रॉम द लाइबिलिटी इन द केस ऑफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. दिस इम्यूनिटी इज अवेलेबल ओनली विन रिस्पेक्ट टू द लीगल अग्रीमेंट्स विच आर क्रिएटेड बाय द मेंबर्स फॉर द फर्दरेंस ऑफ अ वैलिड ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रेड यूनियन अंडर सेक्शन 15. तो 15 के अंदर जो भी मतलब ट्रेड यू नो जो भी एग्रीमेंट बनाया गया है यू नो ट्रेड यूनियन के सेक्शन 15 में जो भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं कि सैलरी पे करना है या फिर उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदना है या फिर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है या जितनी भी फैसिलिटीज इंश्योर किए जाएंगे उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हुए अगर कोई भी लीगल एग्रीमेंट ट्रेड यूनियन के मेंबर ने किया है, राइट, इफ़ ही हैज़ एंटर्ड और उस दौरान अगर कोई भी इस तरीके की लायबिलिटी अराइज होती है उसके ऊपर आइदर ऑन ऑफिस बियरर या मेंबर रिगार्डिंग द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 120B ऑफ IPC, तो उस लायबिलिटी से पर्टिकुलर है कि वो लीगल एग्रीमेंट जो है वो इन फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन ही बनाया है, तो वहाँ पे उसके ऊपर वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से वो इम्यून्ड होगा, उसको उसके ऊपर वो लायबिलिटी इम्पोज नहीं की जाएगी. बट नो वन कैन क्लेम द इम्यूनिटी फॉर एन ऑफेंसिव एक्ट. अगर इसके अलावा कोई भी ऑफेंसिव एक्ट अगर करता है मेंबर तो उसमें वो ये इम्यूनिटी नहीं क्लेम करेगा कि आई एम इम्यून्ड अंडर सेक्शन 17. नो, ही इज़ नॉट इम्यून. वहाँ पर स्पेसिफिकली चार्जेस एक्सप्लेन किए गए हैं. राधा, a trade union leader has no immunity against disobeying the orders of employers when they have already accepted the terms and conditions. Or trade union ka jo bhi leader hai usko immune nahi kiya jayega agar wo employers ne jo bhi usko order diye hain use jo follow karne hai obey karne agar wo nahi karta hai use disobey karta hai aur agar koi bhi offensive act mein agar wo liable hota hai to he will not be immune under section 17. theek hai, to ye pehli immunity ka section ho gaya. Section 18 talks about the immunity from the civil proceeding. So it confers immunity from civil proceedings in certain cases to a trade union's office bearer or its members. However, there is no immunity against violence, threat or any other illegal means. तो ये सेक्शन जो है सिविल प्रोसीडिंग से इम्यून करता है ट्रेड यूनियन के मेंबर्स और ऑफिस बियरर को, लेकिन वही चीज़ कोई भी तरीके का वॉलेटिव एक्ट, थ्रेटफुल एक्ट या इलीगल मीन से कोई काम किया गया है वहाँ पे इम्यूनिटी नहीं मिलेगा टू एनी मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन, राइट? तो ये तरीके से दो तरह से आपके सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इम्यूनिटी मिलती है टू द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन. देर इज़ अ केस इन द केस ऑफ पी मुकुंदन एंड अदर्स वर्सेस मोहन कैंडी पवित्रन 1992 का केस है. इन दिस इट वाज हेल्ड दैट द स्ट्राइक पर्से इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम एंड ट्रेड यूनियन ऑफिसर्स एंड इट्स मेंबर्स आर इम्यून अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स लिंक्ड विद द स्ट्राइक विच कन्फर्स इन सेक्शन 18. तो इस केस में ये बोला गया कि जो स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक वैसे बोला गया, स्ट्राइक अगर यू नो लीगल ग्राउंड्स पे स्ट्राइक है तो वो कंसिडरेबल होती है,
और ये माना गया कि स्ट्राइक जो है कोई एक्शनेबल रॉन्ग नहीं है और उसके खिलाफ कोई भी तरीके की लायबिलिटी या लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो ट्रेड यूनियन या फिर उसके मेंबर्स के ऊपर नहीं लगाई जाएंगी। मतलब ट्रेड ऑफिसर्स और जो मेंबर्स है वो इम्यून होंगे अगेंस्ट सच लीगल प्रोसीडिंग्स इफ दे आर टेकन इनटू कंसीडरेशन ऑन रिगार्ड्स टू एनी एक्शनेबल रॉन्ग ऑफ स्ट्राइक बीइंग डन बाय द ट्रेड यूनियन राइट विच इज़ कन्फर्ड इन सेक्शन 18। उससे इम्यून होंगे द ट्रेड ऑफिस बेयरर्स और मेंबर्स राइट। नाउ द थर्ड is there is a rule that an agreement of restraint in trade is void under section 25 of the Indian Contract Act, but here under section 19 of the Trade Union Act confers that such agreement is neither void nor voidable between trade union members. It means agreements made between the members of a registered trade union not to accept the employment unless certain conditions as to pay, house, hours of works are fulfilled will not be void. Kya keh rahe hain yahan pe, aapko shayad pata ho ki Contracts Act ka section 25 kya baat karta hai. It provides the rule that कोई भी एग्रीमेंट जो कि ट्रेड रेस्ट्रेंट्स रिलेटेड है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया गया है जिसमें एक पर्सन को एक ट्रेड करने से रोका जा रहा है या फिर वो रेस्ट्रेंट कर रहा है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये ट्रेड नहीं करूँगा, तो कोई भी एग्रीमेंट विच इज़ मेड इन कंटेक्स्ट ऑफ अ रेस्ट्रेंट ऑफ एनी ट्रेड उसको वॉइड माना जाता है एज़ पर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन जो सेक्शन 19 है ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट कहीं ना कहीं इट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर रूल, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि सच अ अग्रीमेंट इज़ नाइदर वॉइड और नॉर वॉइडेबल बिटवीन द ट्रेड यूनियन मेंबर्स। वो ट्रेड यूनियन मेंबर्स के बीच में ऐसा अग्रीमेंट ना ही वॉइड है ना ही वॉइडेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के मेंबर्स आपस में ये अग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, जब तक हमने जो कहा है उस रेट पे वेजेस नहीं दिए जाते हैं, जब तक जैसे हमने डिमांड किया है उन नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क पे हमको काम करने का अलाउंस नहीं मिलता है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो क्या नाम है हम काम नहीं करेंगे, विल नॉट कंटिन्यू द वर्क और विल नॉट एक्सेप्ट द एम्प्लॉयमेंट। तो वो जो अग्रीमेंट ट्रेड यूनियन के मेंबर्स ने आपस में किया है रिगार्डिंग द रेस्ट्रेंट ऑफ डूइंग द ट्रेड वो जो है वैलिड माना जाएगा, वो वॉइड या वॉइडेबल नहीं होगा एज पर सेक्शन 19 ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को इम्यूनिटीज़ का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिगार्डिंग द लायबिलिटीज ऑफ ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन की कुछ लायबिलिटीज भी हैं, लेट्स रीड देम। फर्स्ट इज द रेस्ट्रिक्शंस टू स्पेंड द फंड। जो सेक्शन 15 में फंड बनाया गया था ना, द जनरल फंड, उसके रिगार्ड में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। द ट्रेड यूनियन कैन नॉट स्पेंड द फंड फॉर एनी वॉलेंट्री रीजंस, दे कैन ओनली स्पेंड द फंड फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज विच आर एन्यूमरेटेड इन सेक्शन 15। जैसे मैंने बताया था कि उनके पास एक तरह से राइट है सेक्शन 15 में कि वो जनरल फंड बना सकते हैं इन सारे एक्टिविटीज़ पे एक्सपेंडिचर करने के लिए राइट। लेकिन उसके साथ साथ एक लिमिटेशन भी है, एक लायबिलिटी भी है, एक रेस्ट्रिक्शन भी है कि वो उस फंड का पैसा जो भी है वो अपने किसी पर्सनल रीज़न, कोई वॉलेंट्री रीज़न के लिए यूटिलाइज नहीं करेंगे, है ना। दूसरा क्या कह रहे हैं, इफ़ ट्रेड यूनियन डिसाइड्स टू प्रमोट इट्स सिविल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देन अ सेपरेट पॉलिटिकल फंड हैज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 16। हाउएवर नो ट्रेड यूनियन कैन फोर्स इट्स मेंबर टू सब्सक्राइब टू द पॉलिटिकल फंड्स। ये ऊपर बताया था, एक राइट था कि ट्रेड यूनियंस के पास राइट है कि वो पॉलिटिकल फंड बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन ये है, लायबिलिटी ये है कि वो अगर फंड बना रहे हैं तो अपने किसी भी मेंबर को ये फोर्स नहीं करेंगे कि वो उसका सब्सक्रिप्शन लें और उसका सब्सक्रिप्शन फीस पे करें, राइट। दे कैन नॉट फोर्स एनी मेंबर टू डू सो। थर्ड लायबिलिटी है, द ट्रेड यूनियन मस्ट मेक ऑल अवेलेबल ऑल द रिकॉर्ड इट्स बुक ऑफ अकाउंट्स एंड लिस्ट ऑफ मेंबरशिप फॉर इंस्पेक्शन विच इज़ कन्फर्ड इन सेक्शन 20 अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ एनी मेंबर और इज रिप्रेजेंटेटिव। जैसे राइट था ना एक कि सेक्शन 20 के विद इन मेंबर्स को ये राइट है कि वो ट्रेड यूनियन के डॉक्यूमेंट्स और जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, तो वो एक लायबिलिटी हो गई ट्रेड यूनियन पे कि ट्रेड यूनियन के ऊपर लायबिलिटी है कि वो सारे रिकॉर्ड्स को अवेलेबल रखे फॉर इंस्पेक्शन टू बी डन बाय और ऑन रिक्वेस्ट ऑफ एनी मेंबर और इस एजेंट अंडर सेक्शन 20, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अंडर सेक्शन 21 ए ट्रेड यूनियन कैन नॉट अपॉइंट अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और हैज़ बीन इम्प्रिजन फॉर 6 months और मोर विद इन लास्ट 5 years, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 21 ए कहता है कि ट्रेड यूनियन किसी भी ऐसे पर्सन को यू नो अपॉइंट नहीं करेगा आइदर इन द मैनेजमेंट और यू नो अपॉइंट एज अ मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन जो कि पिछले 5 सालों में
फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट पिछले 5 सालों में ही हैज़ बीन आइदर इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ्स और ही हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर सच अ क्राइम विच इन्वॉल्व्स एनी मॉरल टर्पिट्यूड. ठीक है ना. नेक्स्ट सेक्शन 22 व्हाट सेज अंडर सेक्शन 22 एटलीस्ट हाफ ऑफ द ऑफिस बेयरर ऑफ यूनियन मस्ट बी एंगेज और एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री टू विच ट्रेड यूनियन इज कनेक्टेड एंड दे ऑल्सो हैज़ अ पावर जुडिशियली वाइल रिमूविंग एनी मेंबर. ये बोल रहे हैं कि ये एक आपका लाइबिलिटी है. आपको याद होगा हमने पढ़ा था सेक्शन 4 में मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन में, उसमें था कि थ्रू आउट द टाइम हाफ ऑफ द मेंबर्स जो कि अप्लाई कर रहे हैं, मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स जो कि अप्लाई कर रहे हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, दे मस्ट एग्जिस्ट एज अ मेंबर्स. अगर वो सीज हो जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा. तो ये एक लाइबिलिटी भी है कि हाफ ऑफ द ऑफिस बेयरर्स जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड हों, ठीक है, जिससे ट्रेड यूनियन कनेक्टेड है. नेक्स्ट है कि अंडर सेक्शन 28 अ जनरल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट इन प्रिस्क्राइब मैनर ऑल इनकम एक्सपेंसेज असेट्स लाइबिलिटीज एग्जिस्टिंग ऑन सच 31st day मस्ट बी सेंट टू द रजिस्टर. 28 सेक्शन के अंदर एक लाइबिलिटी इम्पोज है अपॉन द ट्रेड यूनियन कि जो भी जितने भी जनरल स्टेटमेंट्स हैं, जो भी बैलेंस शीट है, लाइबिलिटीज़ हैं, असेट्स हैं, उनका स्टेटमेंट्स है, जो भी इनकम इनकर हुआ, एक्सपेंसिस जो भी यू नो स्पेंड हुए हैं बाय द ट्रेड यूनियन इन सर्टन एक्टिविटी, उसका जो भी स्टेटमेंट है वो सब 31st December को ऑफ एवरी ईयर वो रजिस्ट्रार को सबमिट करें. इट इज़ द लाइबिलिटी और अ ड्यूटी, वी कैन से रादर इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द ट्रेड यूनियन. इन द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग लाइबिलिटी इज द ट्रेड यूनियन हैज़ टू सेंड द नोटिस टू रजिस्ट्रार इन केस ऑफ एवरी चेंज ऑफ इट्स नेम, अमलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, एनी चेंज इन एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस फॉर द डिसोल्यूशन एंड अ कॉपी ऑफ एवरी ऑल्टरेशन मेड इन द रूल्स ऑफ रजिस्टर. ये भी एक लाइबिलिटी है ट्रेड यूनियन पे कि वो रजिस्ट्रार को हर चीज़ नोटिफाई करें, चाहे वो अपना नेम बदलें ट्रेड यूनियन का, चाहे वो हेड ऑफिस का एड्रेस बदलें, चाहे दो से ज़्यादा ट्रेड यूनियन मिलके अमलगमेट करें, चाहे वो डिसॉल्व होने का डिसीज़न लें, वो सभी चीज़ों का जो भी चेंजेस वो कर रहे हैं, जो भी डिसीजंस वो ले रहे हैं इस तरीके के, उन सब का नोटिफिकेशन वो ऑन टाइम जो भी टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब हैं उसके विद इन रजिस्ट्रार को नोटिस करें इन राइटिंग, ठीक है, एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस बीइंग प्रिस्क्राइब. तो गाइज यहाँ पे हमारा हो गया राइट्स, इम्यूनिटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रेड यूनियन. आई होप थिंग्स आर बीइंग क्लियर. ऑल द लेक्चर लंबा हो रहा है पर गाइज एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. एक्ट बड़ा है, सारे प्रोविजंस डिस्कस करने हैं, सभी इम्पॉर्टेंट है, तो इतना चलता है, ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द पेनल्टीज इन प्रोसीजर्स, ठीक है. ओके सो द पेनल्टीज इन प्रोसीजर्स, सो सेक्शन 31 टू 33 ऑफ द ट्रेड यूनियंस एक्ट लेज डाउन द पेनल्टीज एंड द प्रोसीजर ऑफ इट्स एप्लीकेशन अपॉन अ ट्रेड यूनियन विच इज सब्जेक्ट टू सच पेनल्टी. तो सेक्शन 31, 32 और 33 ऑफ द एक्ट बताता है कि कैसे कैसे पेनल्टीज इम्पोज की जाती है ट्रेड यूनियंस पे, क्या प्रोसीजर होता है उसका एप्लीकेशन का, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं. पहला है सेक्शन 31, द फेलियर टू सबमिट द रिटर्न्स. अगर जो भी रिटर्न्स मांगे हैं और वो उनको कंप्लाई करने में, उनको सबमिट करने में फेल हो जाता है. सो इफ एनी ट्रेड यूनियन वॉज रिक्वायर्ड टू सेंड एनी नोटिस स्टेटमेंट और एनी डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार एंड इफ़ दे फेल टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन. तो अगर रजिस्ट्रार ने कोई भी कोई स्टेटमेंट मंगाया, कोई इन्फॉर्मेशन मंगाई, कोई डॉक्यूमेंट मंगाया, कोई नोटिस मंगाया, लेकिन विद इन टाइम ट्रेड यूनियन उसको फर्निश करने में, उसको सबमिट करने में फेल हो जाता है, देन इन केस ऑफ सच अ डिफॉल्ट ईच मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, याद रखना ईच मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन शैल बी इम्पोज विद द फाइन एक्सटेंडेबल टू 5 rupees. तो वो हर व्यक्ति जो भी मेंबर है एग्जीक्यूटिव ऑफ ट्रेड यूनियन का, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा ऑफ फाइन ऑफ 5 rupees, ठीक है, 5 rupees का फाइन. इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, अगर वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, मतलब कि इस फाइन इम्पोज करने के बाद भी वो चीज़ों को करेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी सबमिशंस नहीं कर रहे हैं, देयर आफ्टर द फाइन में बी एक्सटेंडेड टू 5 rupees अ वीक. तो फिर पर वीक जो है वो 5 rupees का इम्पोजिशन ऑफ फाइन उनके ऊपर हो जाएगा. इफ एनी पर्सन विलफुली मिस मेक्स और कॉजेज टू बी मेक एनी फॉल्स एंट्री और ओमिशन इन द जनरल स्टेटमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड इन द सेक्शन 28, ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन एक्सटेंडेबल टू 500 rupees. लेकिन जैसे सेक्शन 28 के अंदर जो भी एनुअल रिटर्न सबमिट करने टू द रजिस्ट्रार और ट्रेड यूनियंस
उसको जानबूझ के विलफुली गलत फॉल्स एंट्री करता है या ओमिट करता है जनरल स्टेटमेंट सबमिट करने में, तो वो पर्सन लाइबल होगा, उसके ऊपर पेनल्टीज इम्पोज होंगी, विल बी पनिश्ड विद अ फाइन एक्सटेंडेबल टू 500 रुपीज़, 500 रुपये तक का फाइन उस पर्सन के ऊपर लग सकता है। तो पहला हो गया फेलियर टू सबमिट द रिटर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन, सप्लाइंग द फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रेड यूनियंस। अगर कोई पर्सन ट्रेड यूनियंस की इन्फॉर्मेशन गलत दे रहा है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसमें क्या होगा? सो इफ एनी पर्सन विद द इंटेंट टू डिसीव अ मेंबर ऑफ एनी ट्रेड यूनियन और एनी अदर पर्सन इंटेंडिंग टू बी द पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन एंड ही गिव्स अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट विद द प्रिटेक्स्ट ऑफ इट कंटेनिंग द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट इट इज नॉट अ करेक्ट कॉपी ऑफ सच रूल्स। मतलब कोई भी पर्सन है वो यू नो कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को डिसीव करने के लिए या रजिस्ट्रार को डिसीव कहीं ना कहीं धोखा देने के लिए यू नो डॉक्यूमेंट की कॉपी देता है जो कि रूल्स की कॉपी मांगी गई थी रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन की, और उसको पता है ही हैज़ रीज़न कि वो करेक्ट कॉपी नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ कंटेनिंग द फॉल्स इन्फॉर्मेशन। देन और या फिर कोई भी ऐसा पर्सन विद अ लाइक इंटेंट, उस तरह की सिमिलर इंटेंशन है किसी ऐसे पर्सन की, purporting it to be a copy of the rules which is in reality is an unregistered union, जो कि actual में unregistered union है, वो registered union नहीं है, पर it is pretending or it is providing the false information which depicts that trade union is a registered trade union। तो अगर ऐसा कोई भी person है और वो ऐसा कोई भी काम कर रहा है तो such a person shall be imposed with fine which may extend to 200 rupees। तो ऐसा person अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो उसके ऊपर 200 रुपये तक का fine impose किया जा सकता है बाय द अप्रोप्रिएट कोर्ट, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। तो अभी तक हमने देख लिया कि पेनल्टीज कितनी लगेंगी, अब हम लोग प्रोसीजर देख रहे हैं। बेसिकली सेक्शन 33 में इट सेज दैट नो कोर्ट विच इज़ इन्फीरियर टू द प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो याद रखो कौन है, कौन जुडिशियल अथॉरिटी कौन होगी, नो कोर्ट विच इज़ इन्फीरियर टू, तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या उनसे ऊपर की कोई अथॉरिटी, उनसे नीचे की कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी नहीं, दे शाल ट्राई द ऑफेंस अंडर द एक्ट। वही लोग इस एक्ट के अंदर ऑफेंसेस को ट्राई करेंगे। कोर्ट्स कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस अंडर द एक्ट ओनली व्हेन द कंप्लेंट हैज बीन मेड विद द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार। कंप्लेंट तभी कॉग्निजेंस में ऑफेंस तभी लिया जाएगा जब कंप्लेंट जो है रजिस्ट्रार की पहले उसकी सेंक्शन ली गई, उसकी परमिशन ली गई, उसको नोटिफाई किया गया और उसके बाद कंप्लेंट की गई, या फिर रजिस्ट्रार ने खुद कंप्लेंट की है। सिर्फ उन्हीं सिचुएशन में जो है वो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होंगे और वही कॉग्निजेंस मिलेंगे बाय द कोर्ट। एंड व्हेन अ पर्सन हैज़ बीन अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 32 ऑफ द एक्ट, दैट इज़ ये वाला एक्ट, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है अगर किसी पर्सन ने, देन द कंप्लेंट मे बी मेड बाय द पर्सन टू होम द फॉल्स कॉपी वॉज गिवन। तो यहाँ पे बोला कि अगर हाँ ये वाला सिचुएशन है, ये वाला ऑफेंस है कि किसी पर्सन ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया सेक्शन 32 के अंदर, तो वो पर्सन भी कंप्लेंट कर सकता है जिस पर्सन को फॉल्स कॉपी दी गई है, टू होम द फॉल्स कॉपी वॉज गिवन। द कंप्लेंट पर द कंप्लेंट शुड बी मेड विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑन विच द ऑफेंस इज अलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड। लेकिन चाहे कंप्लेंट रजिस्ट्रार खुद करें, चाहे कंप्लेंट सेक्शन 32 के कंटेक्स्ट में वो पर्सन करे जिसको फॉल्स कॉपी दी गई, लेकिन कंप्लेंट जो है जिस दिन ऑफेंस हुआ उससे लेके 6 महीने के अंदर अंदर तक कंप्लेंट करनी है, ठीक है, विद इन 6 months। ये इसका लिमिटेशन पीरियड है ऑफ मेकिंग द कंप्लेंट फॉर द पर्टिकुलर ऑफेंस, राइट। तो ये हो गया हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स अंडर द ट्रेड यूनियंस एक्ट। और ये हमारा लास्ट सेक्शन था, मैंने आपको बताया था टोटल 33 सेक्शंस है ट्रेड यूनियंस एक्ट के अंदर, तो ये भी हो गया। एंड विद दिस आई एम डन विद दिस लेक्चर। आई थिंक मैंने सब चीज़ें जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आई हैव कवर्ड एवरीथिंग विद ऑल द इम्पॉर्टेंट केसेस। ओके, तो अब आपकी बारी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अच्छे से बताओ लेक्चर कैसा लगा, क्या कमी लगी, ठीक है, कितना हेल्पफुल है आपके लिए ये, और किस किस के हेल्प में रहा ये आप लोगों के एग्ज़ाम्स में, तो एग्ज़ाम देने के बाद भी बताना मुझे। और इस लेक्चर का PDF चाहिए तो मैंने बताया था, आप ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पेज पे कांटेक्ट कर सकते हो, दोनों की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और प्लीज़ गाइस, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, बहुत 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 मेहनत लगती है लेक्चर्स बनाने में और आपके सामने प्रोड्यूस करने में, अपलोड करने में, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, सो दैट यू नो मोर नंबर ऑफ पीपल गेट्स इन टच विद दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड विद द चैनल एज वेल, बिकॉज कंटेंट बहुत सारा आ रहा है, कंटेंट सारा यूज़फुल आ रहा है, आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग वीडियोस भी आ रही हैं, लेकिन उस हिसाब से सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, विच इज़ प्रिटी डिसहार्टनिंग फॉर मी।
एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस. आप अपनी जगह मुझे मेरी जगह अपने आप को रख के देखें. सो यू कैन मेक दिस अंडरस्टैंड दैट इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट. हाउ मच वट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सब्सक्राइबर्स यू नो इफ आई एम पुटिंग सो लॉट ऑफ हार्डवर्क हियर. सो दिस वॉज इट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एज वेल. वेल आई विल बी बैक सून विद अनदर लेक्चर विद अनदर सच अ कंटेंट इन फ्रंट ऑफ यू. टिल देन एवरीवन कीप स्टडिंग. कोई डाउट है तो पूछना कमेंट सेक्शन में. All the best to all of you whosoever is having the exams tomorrow, day after tomorrow or after that. Have a good day. Bye bye. Take care.